मेरा सवाल ये ईद उल अजहा के मौजू से, हम काफी अर्सा अबू धाबी में रहे तो हम सादिया के साथ ईद करते थे, जैसे वकूफ अरफा है उसके अगले दिन। अब हम यहाँ जर्मनी में हैं, यहाँ वकूफ अरफा नौज़ अल हज अगले दिन होता है, तो जो ईद उल अजहा है उसका ताल्लुक किस चीज़ से है, वकूफ अरफा से है कि नौज़ अल हज से है? और अगर शुक्रिया। हमारे यहाँ जर्मनी में नौज़ अल हज सऊदीया के एक दिन बाद है, तो फिर हम यहाँ के हिसाब से बड़ी ईद करेंगे या सऊदीया के हिसाब से करेंगे? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया मसला, बहुत इसको शुक्रिया। प्लीज अगर एक्सप्लेन करें। सॉरी, ये दो पहलू हैं इसके। एक ये कि क्या होना चाहिए, होना तो यही चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने वो असबाब पैदा कर दिए हैं कि अब चशम ज़दन में इत्तला हम पहुंचाई जा सकती है, तो उसी के लिहाज से हो। क्योंकि इसमें तो किया ही यही गया है कि एक बहुत बड़ी इबादत हज, वो आलमी सतह पर वसी कर दी गई है। हर शख्स हज करने के लिए नहीं जा सकता, और मैंने अर्ज़ किया कि हज सबसे बड़ी इबादत है, क्योंकि इबादत की तीन बुनियादें हैं, परस्तिश इताअत और अपना जानो माल नज़र करना। तो परस्तिश नमाज में ज़ाहिर होती है, इताअत रोज़े में, और ये इबादत है कि जिसमें हम अपना जानो माल नज़र करने की तमसील का हिस्सा बनते हैं, ये सबसे बड़ी इबादत है। इस वजह से ये सबसे बड़ी इबादत एक ख़ास जगह पे जाके करना होती है, उसकी सूरत हज है। 5 दिन लगते हैं, उसके लिए इस्तेआत भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए और सफ़र खर्च भी चाहिए। तो अल्लाह ताला के पैगंबरों ने ये किया कि उसकी एक पुख्तसर सूरत कर दी कि जो लोग ये मशक्क़त नहीं उठा सकते वो उमरा कर लें। हज में चूँकि ख़ास अय्याम हैं, उन्हीं में जाना है, उसमें हुजूम भी होता है और भी बहुत से मसाइल हैं, और इबादत भी 5 दिनों पर फैल जाती है, तो इसलिए उमरा 1-1.5 घंटे की चीज़ है, उमरे की सूरत दे दी। वो लोग जो उमरे के लिए भी नहीं जा सकते, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपकी दावत और दीन अब आलमी सतह पर फैलने वाला था, तो ये त्यौहार मुकर्रर कर दिया। ये असल में उसी की एक सूरत है। चुनाँचे आपने फरमाया है कि यकम जुलहज को अगर तुम अपने नाखून काटना बंद कर देते हो, बाल नहीं तरशवाते और फिर कुर्बानी करते हो, और कुर्बानी करके ये सब चीज़ें करते हो, तो तुमने नज़र की इबादत पूरी कर दी। बल्कि यहाँ तक कहा है कि अगर कुर्बानी का जानवर नहीं है तब भी हो जाएगी, ये एहतमाम अगर 10 दिन के लिए कर लेते हो। तो इस तरह गोया हज, हज का इख्तसार उम्रा, और फिर उसकी तौसी, उमरे की तौसी, ये ईद, ईद उल अज़हा है। तो ये बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए होना तो यही चाहिए था कि ये उसी दिन होती, यानी वही यौमुन नहर है जिसको होना चाहिए था इसे। लेकिन ये मुमकिन कब हुआ है? ये अब मुमकिन हुआ है, यानी इस वक्त जबकि वहाँ की इत्तला पहुँच जाती है। आज से 150 साल पहले तो ये मुमकिन नहीं था, बिल्कुल उसमें ना इत्तलात पहुंच सकती थी, ना ये कोई जान सकता था कि क्या वहाँ फिलवाक़े हज हो गया या क्या सूरत हुई। उस वक्त यही राय कायम की गई कि उलमा अपने अपने तरीके से 10 को इसका ऐलान करें, कोई चारा इसके सिवा था ही नहीं, कोई ज़रिया ही नहीं था। तो वो तरीका बिल्कुल सही इख्तियार किया गया, उस ज़माने में उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था। अब जबकि इसके असबाब पैदा हो गए हैं, तो उसको असल पर ले जाना चाहिए।